मौसम में बदलाव के चलते जहां विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के हालात बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले के बालाकिला क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते पर्यटन विभाग को राजस्व का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पर्यटकों के आने से वन क्षेत्र से जुड़ी सफारी को भी बेहतर लाभ मिल सकता है। साथ ही बालाकिला क्षेत्र से अलवर शहर के नजारे को देखने का अलग ही आनंद लोगों को मिल रहा है। इन हालातों के बीच वन विभाग प्रतापबंध वन चौकी से जुड़ी सहायक वनपाल बबली मीणा ने बताया कि लगातार मौसम में आ रहे बदलाव एवं मौसी ठंड के कारण जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहीं बालाकिला से दिखने वाला पहाड़ी क्षेत्र भी काफी मनमोहक नजर आ रहा है, जिसके चलते अचानक इन क्षेत्रों में सफारी की व्यवस्था भी वन विभाग के लिए लाभकारी साबित हो रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए सुखद बदलाव के चलते बाहर से भी देशी व विदेशी पर्यटक वन क्षेत्र भ्रमण के लिए आने लगे हैं। गौरतलब है कि अलवर जिले से जुड़े बालाकिला वन क्षेत्र में 18 सफारी वन विभाग द्वारा संचालित है। जैसे मौसम सुहाना है, अच्छा है, और इस मौसम से अब पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। 2-3 दिन से मौसम अच्छा है तो पर्यटक भी घूमने के लिए इंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं। सुबह से ही आज सुबह से ही पर्यटक आ रहे हैं कि ठंडा मौसम है इसलिए घूमने आ रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ अपने सफारी गाड़ियाँ लगा रही है यहाँ? 18 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, सभी जा रही हैं गाड़ियाँ? हाँ, सभी पर्यटकों को। अलवर जिले के बाहर से भी आ रही हैं गाड़ियाँ? बाहर से भी, और अलवर जिले से बाहर से जैसे पर्सनल गाड़ी आ रही है, लोग वाग पर्यटक तो आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। किस तरह से वो मिलेगा? इस तरह से मौसम बढ़िया है तो राजस्व का भी वो होगा, उसकी भी आमदनी होती है, राजस्व गवर्नमेंट की भी इनकम होती है इसमें। और पर्यटक बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे लग रहे हैं उनको भी गाइड, नेचर गाइड को। कितने लेपर्ड यहाँ पर हैं अभी फिलहाल? लेपर्ड के उनकी कोई फिक्स ये नहीं है कि भाई गिनती में इतने नहीं, भाई इतने फिक्स है। लेपर्ड है, लेपर्ड कल परसों टूरिस्टों को भी दिखाया, यहाँ पर लेपर्ड दिखाया, शाम को 2-3 जिप्सी।